रोबोट्स हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। उनके बहुत सारे फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आसपास बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। 2031 का सिनेरियो रखते हुए एक ऐसी कहानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हमारे सामने आई है, जिसमें 6 एपिसोड्स हैं। एपिसोड्स के नाम कुछ इस तरीके से हैं: ऑटो पायलट, मेकिंग ऑफ मसीहा, कंट्रोल प्लस अजीब प्लस टेल, सेव प्रोग्रेस, द रोबोट कंडीशन एंड हेलो वर्ल्ड। कहानी को मूलतः लिखा आनंद गांधी, वही आनंद गांधी जो डायरेक्ट और लिख चुके हैं शिप ऑफ थीसिस जैसी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फिल्म। इस सीरीज को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे पूजा शेट्टी और नील पगेदार, अगर मैं नाम सही से उच्चारण कर पा रहा हूँ तो। कहानी में आपको दिखेगा कौन? कहानी में दिखेगा एक रोबोट जिसका नाम है अजीब। उसके अलावा जो ह्यूमन कलाकार हैं, यानी कि जो इंसानी कलाकार हैं, उनमें आपको दिखाई देंगे विजय वर्मा, राधिका आप्टे, जैकी श्रॉफ, उनका साथ देंगे कानी कुशरुति, सारंग साठे, विवा छिप्पर, आलोक उल्फत और अजीब की आवाज़ देंगे उल्लास मोहन। 2031 की कहानी है एक कार जो कि ऑटो पायलट पे चलती है, जो पहला एपिसोड ही हमारा ऑटो पायलट, वो एक इंसान को कुचल देती है। कार को हैक किया गया है किसी सिस्टम के थ्रू, कुछ इस तरीके की कहानी समझ में आती है। मृतक की शिनाख्त हो नहीं पाती और शक ज़्यादा है हमारे ज़माने के मसीहा के, यानी कि वर्तमान समय में जो मसीहा है जो कि एक रोबोट है, उसके ऊपर शक जाता है। बहुत ही अच्छे विजुअल्स का इस्तेमाल किया गया। फिल्म का जो जोनर है वो रखा गया है साइंटिफिक, जिसको हम कहते हैं साईफाई कॉमेडी, साइंटिफिक फिक्शन कॉमेडी के तहत इसको रखा गया। फिल्म कहीं कहीं पे हंसाने में कामयाब सी हो पाती है, बट फिल्म का सब्जेक्ट थोड़ा सा डार्क ही रहता है। फिल्म प्रॉमिस करती है इंडिया के उस साइंटिफिक फिक्शन डिपार्टमेंट का, जिससे भविष्य में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो सकती हैं। कुछ समय पहले फिल्म आई थी विक्रांत मैसी की, जिसमें इसी तरीके की एक कहानी हमारे सामने दर्शाई गई थी, लेकिन इस बार होलोग्राम्स, विजुअल इफेक्ट्स और चलती हुई वेब सीरीज में वीडियो गेम्स जैसे इफेक्ट्स डालकर, ह्यूमन कैरेक्टर्स को वीडियो गेम में डालकर ऐसा फील कराया गया है जैसा अब अपने आसपास देखते हैं, लाइक रियल वीडियो पबजी वगैरह का जिस तरीके से लोग खेल रहे हैं या खेल रहे थे। उसके बाद वही इंटरफेस डायरेक्ट से उसके आपके पास सीरीज में आ जाता है और दोनों के बीच में एक संबंध बना रहता है कि हम ऐसा लगने लगता है थोड़ी देर सीरीज देखने के बाद कि हमारे आसपास शायद ऐसी चीज़ें घट रही हैं। हमारे आसपास बोलने वाली कार हैं, ड्रोन्स हैं जो इधर से उधर सामान पहुंचा रहे हैं। रोबोट्स हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। उनके बहुत सारे फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं, जैसे रोज़गार का जाना और रोबोट के ऊपर लोगों का डिपेंडेंट हो जाना। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैकी श्रॉफ जो पुष्पक शकूर के किरदार में है, जो चाहते हैं कि दुनिया वैसी हो जाए जैसी ही थी, यानी कि रोबोट्स के आने से पहले, यानी कि उससे भी पहले, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आने से पहले। किसने कैसा काम किया? और अजीब ने बहुत अच्छा काम किया। उल्लास मोहन की आवाज़ उसको एक सजीव रोबोट बनाने में कामयाब होती है। इसके अलावा बाकी जो कलाकार है, विजय वर्मा, राधिका आप्टे, कानी, ये सब लोग अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और ऐसा लगता है कि स्टोरी के साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गए। पूजा शेट्टी और नील की ये पहली डायरेक्ट की हुई फिल्म है। आनंद गांधी इसमें एक तरीके से उनके मेंटर के तौर पर रहे, कोई कहानी उन्हीं की लिखी गई है। कुल मिलाकर सीरीज को अच्छे ढंग से निकालने में सफलता पाई गई है। समस्या ये है कि IMDb रेटिंग इसकी ख़राब है, मतलब 5.2 लगभग औसत रेटिंग है। क्रिटिक्स ने इसको मिला जुला रेस्पॉन्स दिया है, बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसको 5 में से 3 स्टार दिए हैं और एक प्रॉमिसिंग सीरीज बताया गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस कड़ी का पहला वेब सीरीज होगा, इसके बाद हमें ऐसी वेब सीरीज को देखने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप ओपन हो गए इस वेब सीरीज को देखेंगे तो जहाँ पे वेब सीरीज का अंत होता है उससे पहला, मतलब पहले के 10-15 मिनट आपको जरूर भावुक करने में सफल हो पाएंगे। आपको रोबोट कुछ कुछ इंसानों जैसा नजर आएगा और इंसान कुछ कुछ रोबोट जैसे संवेदनाहीन होते हुए नजर आने लगेंगे। एक बार देखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा वाव फैक्टर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से सीरीज को बनाया गया है। 2031 हार्डली 10 साल आगे की बात है, दुनिया इतनी ज़्यादा नहीं बदलेगी उसमें, लेकिन हाँ 2031 हो चाहे 2131, ये लगभग तय हो गया है कि आगे आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होगा। चाहे वो एक हिंदू राष्ट्र हो या ना हो, चाहे इस देश की भाषा हिंदी हो या ना हो, चाहे इसके अलावा भी हम कुछ बोलें और किसी और तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताएं, बट हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है, ऐसा ये सीरीज हमें प्रॉमिस करके बताती है। पैसा पे आप ये कहानी देख रहे थे, आपका जो भी फीडबैक है हमें भेज सकते हैं हमारी अगली कहानी तक। गुड बाय।